इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे शिव भक्त पैदल कावड़ यात्रा निकाली। गंज बासौदा आज सावन का सोमवार होने के कारण गंज बासौदा से भोलेनाथ के भक्तों ने कावड़ यात्रा निकाली। उदयपुर नीलकंठ मंदिर के लिए गंज बासौदा से उदयपुर नीलकंठेश्वर मंदिर 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये मंदिर पुरातत्व विभाग में आता है। मध्य प्रदेश में उदयपुर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर प्रसिद्ध है, जहां पर दूर दूर से शिव भक्त पैदल चलकर दर्शन के लिए एवं जल चढ़ाने के लिए आते हैं। उदयपुर नीलकंठेश्वर मंदिर में शिवरात्रि में मेला भी भराता है। मंदिर के साथ साथ यहां पर बहुत पुरातत्व कलाकृतियां उपलब्ध है, जैसे राजा का महल कहा जाता है कि ये शिव मंदिर एक रात में ही बनकर तैयार हुआ था। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है कि मंदिर की बनावट ऐसी है कि शिवरात्रि के बाद जो सूर्य निकलता है वह सीधा मंदिर के अंदर जाकर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति पर पहली किरण पड़ती है। जबकि मंदिर बहुत बड़ा है, उसमें 3 द्वार है। इन द्वारों से बहुत अंदर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है, शिवलिंग है। यहाँ पर शिवरात्रि में सूर्य की पहली किरण भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर पड़ती है। ये सभी लोगों ने शिवरात्रि के समय में देखा है, इसलिए इस मंदिर का बहुत महत्व है। इसलिए भक्त दूर दूर से यहाँ उदयपुर नीलकंठेश्वर मंदिर में भगवानों के दर्शन करने आते हैं एवं जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।